कोरोना कहर और कोहराम, यही तो देश में चल रहा है, यही तो सबसे बड़ी चिंता है। इलाज क्या वाकई में समय पर मरीजों का हो रहा है? क्या ऑक्सीजन हर जगह उपलब्ध है? इन सवालों का जवाब फिलहाल हद तक ना मिले, क्योंकि कई तरह से अब देखा जा रहा है कि कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है कि किसी को मौका भी नहीं दे रहा संभलने का। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर पर अब अपनी चिंता जाहिर करते हुए कुछ बातें कही है। ये भी हम आपको बता दें कि ये कहा गया है कि तैयारी होगी तो तीसरी लहर को हम संभाल सकते हैं। अब ये क्यों कहना पड़ा ये आप जानते हैं, क्योंकि दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवा पर कितना असर पड़ा है ये भी सभी जान चुके हैं। बच्चों पर तीसरी लहर का असर हो सकता है ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्योंकि इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी थी और उन रिपोर्ट्स में भी यही बात कही गई थी। टीकाकरण अभियान में बच्चों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए ये भी कहा गया है कि क्या अब टीकाकरण के बारे में भी सरकार सोच रही है। अब ऐसे में सरकार इस पर क्या जवाब देती है, क्या प्रतिक्रिया आती है केंद्र सरकार की, ये देखने वाली बात है। लेकिन देखिए, एक बड़ी जानकारी पहले भी खबर तक आपको दे चुका था कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में तीसरी लहर आ सकती है कोरोना की। दूसरी लहर देश में चल रही है, अब कहर बरपा रही है, अभी तक हम इससे भी संभले नहीं है। और ऐसे में अब अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी होगी, ये अभी से हमें सोचना होगा। और यही चिंता जाहिर करते नजर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज योगी सांगवान। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए और विस्तार से आपको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है न्यूज रूम से ज्योति। इससे पहले कई एक्सपर्ट्स भी कह चुके थे और हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी कि ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, क्योंकि कई देशों ने इसे झेला है और वहां भी किस तरह लाशों के ढेर लग गए ये भी हमने देखा, और इसकी भी हमने चर्चा खबरें तक पर पहले की थी। लेकिन अब डर लग रहा है कि हमारे देश में भी तीसरी लहर अगर आती है तो बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा कहर बरपा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज लग रही है? बिल्कुल जायज है कमल, क्योंकि दूसरी लहर हम देख रहे हैं और दूसरी लहर का कहर हम उस वक्त देख रहे हैं जबकि हमारे पास बहुत समय था तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, इंतजाम किए जाने को लेकर नहीं की गई, ये फैक्ट है अपने आप में। लेकिन अब स्थिति बहुत खराब है, दूसरी लहर में अगर ये हालात है कमल तो चिंता जो है वो अपने आप में जायज है। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि चूंकि बच्चे तो खुद से अस्पताल भी नहीं जा सकते तो क्या पॉलिसी है सरकार के पास, और अगर सरकार की पॉलिसी में कोई खामी होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा अगर उसमें कोई एरर होती है। तो बच्चों को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि अगर देश में तीसरी लहर आ गई और दूसरी लहर में हम इतने परेशान हैं, देश के सामने इतना बड़ा संकट है तो सरकार उससे कैसे निपटेगी। तो ऑक्सीजन को लेकर कुल मिलाकर कमल देखिए मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, केंद्र सरकार गई है। केंद्र सरकार का दावा है कि टैंकर्स की वजह से ऑक्सीजन देने में भले ही देरी हुई हो लेकिन ऑक्सीजन दी गई है, और जितना आंकड़ा दिल्ली सरकार की ओर से कहा जा रहा था उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 700 मीट्रिक टन से ज्यादा हम दे रखे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से एक बार फिर से एलिगेशन लगाया गया है केंद्र पर। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन को लेकर बातें थी, इसके अलावा तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से चिंता जाहिर कर दी गई है, और ये बहुत वाजिब है कमल अपने आप में। अब जबकि ज्यादा लोग वो संक्रमित हो रखे हैं जो कि यंग हैं, जो कि युवा हैं, उन पर ज्यादा असर दिख रहा है। पहली लहर की आप बात करेंगे, कहा जा रहा था काफी बुजुर्ग लोग जो हैं या जो पहले से बीमार लोग हैं उन पर कोरोना अटैक कर रहा है, लेकिन इस बार युवा लोग चपेट में आ रखे हैं। तीसरी लहर भी हमने कई देशों में देखी है और बच्चों को चपेट में लिया जा रहा है। तो अगर भारत में तीसरी लहर आई तो सरकार की क्या तैयारी है, सरकार की क्या पॉलिसी है? बच्चों को चपेट में अगर लहर लेती है, कोरोना अगर बच्चों को संक्रमित करता है, और जो बात कही गई है ये अपने आप में तथ्यात्मक है कि बच्चे तो खुद से अस्पताल भी नहीं जा सकते, अब जो लोग अस्पताल जा सकते हैं, जो लोग युवा हैं उनके सामने कितनी बड़ी परेशानी है, कितना बड़ा संकट है, रिकॉर्ड तोड़ मौतें भारत में हो रही है, और अगर तीसरी लहर आई बच्चे संक्रमित होते हैं तो सरकार का। और इससे पहले ज्योति देखा गया कि केंद्र सरकार के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं प्रोफेसर राघवन, वो भी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके थे। और यानी कि केंद्र सरकार की ओर से अब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर तो आने वाली है, कितनी खतरनाक होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कब आएगी ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को पहले से सचेत कर दिया गया है और अब तैयारी सरकार को अपने स्तर पर करनी होगी, और ये भी कह सकते हैं बड़े स्तर पर, क्योंकि अभी हम बेड की समस्या से जूझ रहे हैं, अभी हम जूझ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। और आप जानते हैं कि हरियाणा में भी स्वास्थ्य मंत्री यही बात निजी अस्पतालों को कह चुके हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर आप ऑक्सीजन के प्लांट लगा लीजिए। यानी सबको मालूम है कि तीसरी लहर देश में आएगी, क्योंकि हम दूसरे यूरोपीय देशों में भी ये देख पा रहे हैं।
कमल, बिल्कुल आएगी और इसको आप ना तो नकार सकते हैं, ना खारिज कर सकते हैं, ना देखकर आंखें बंद कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब कहा गया, आखिर एक्सपर्ट्स ये लगातार कह रहे हैं अब तीसरी लहर आएगी और भारत सरकार के सामने, भारत के सामने दूसरी लहर से निपटना बहुत बड़ी चुनौती है और तीसरी लहर से बचना या तीसरी लहर के आने से पहले तैयारियां करना, सभी इंतजाम कर लेना, ये बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी परीक्षा भी होगी। क्योंकि दूसरी लहर को लेकर कमल हम कह सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लगभग नाकाम रहे हम, नाकाफी रही तैयारियां, इंतजाम नहीं किए गए थे। लेकिन अब जबकि तीसरी लहर की आहट है, एक्सपर्ट्स आगाह कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सवाल पूछ लिया गया है भारत सरकार से, तो ऐसे में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज कर दी जानी चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट्स की हम बात करें, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी हम बात करें, टैंकर्स की कमी का मसला भी सुप्रीम कोर्ट में उठा है, तो अब तमाम इंतजाम हो जाने चाहिए। इस बात को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर दस्तक देगी भारत में, तो उसको लेकर कम से कम भारत सरकार की, राज्य सरकारों की, स्थानीय जो भी प्रशासन है, जिस भी जिले की आप बात कर लें, राज्य की आप बात कर लें, प्रशासन भी तैयार रहे कि कम से कम दूसरी लहर में जिस तरह का संकट हम देख रहे हैं, तीसरी लहर में उस तरह की दिक्कतें, परेशानियां, संकट पेश ना आए। क्योंकि बच्चों पर अटैक हो सकता है, बच्चों पर संक्रमण का साया जो है वो मंडरा सकता है, ऐसे में बहुत तैयारियों की, बहुत ज्यादा इंतजाम किए जाने की जरूरत है। देखिए, और ज्योति, क्या हम कह सकते हैं कि इसलिए भी हमें डरने की जरूरत है इसको लेकर, क्योंकि पहली लहर में हमने देखा कि जरूर लोग संक्रमित हो रहे थे लेकिन उतना खतरनाक ये वायरस नहीं था, क्योंकि मौतों का आंकड़ा पहले अब के मुकाबले तो कम था। इस पर मैं आऊंगा आपके पास ज्योति, ये सवाल काफी अहम था मेरा, लेकिन एक बड़ी खबर बताना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर भी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने केंद्र सरकार को कहा है, अपनी ओर से डिटेल दी है, क्योंकि आज गुरुवार को डिटेल देनी थी अपनी ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बताइए कि दिल्ली को कितने ऑक्सीजन आप उपलब्ध करवा रहे हैं, किसी भी पॉलिसी में खामी आने पर केंद्र जिम्मेदार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आप पॉलिसी खुद बना रहे और खामी है पॉलिसी में तो आप ही तो जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी चेता दिया है, क्योंकि ये जो मसला है ये कहा गया है कि सुन सकता है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर काम करे, तो दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब उन्हें लग रहा है कि दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई अभी जारी है और कई बातें निकलकर सामने आ रही है। ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी। ज्योति, मैं ऑक्सीजन के मसले पर आऊंगा, लेकिन एक अहम सवाल बाकी था मेरा, मैं आपसे चर्चा कर रहा था, क्योंकि जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं वो भी चिंता जाहिर कर रहे होंगे और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए पहली लहर में हमने देखा ज्योति की मौतों के आंकड़े आपके मुकाबले पहले कम थे और लोग पहले जरूर ये सोच रहे थे कि इलाज नहीं, आज भी इलाज नहीं है पूरी तरीके से, एक प्रोटेक्शन हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। दूसरी लहर में हम मौतों के आंकड़े देख रहे हैं, बेड की ज्यादा जरूरत लोगों को पड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है क्योंकि केस ज्यादा बिगड़ रहे हैं। अब तीसरी लहर में क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसके वेरिएंट बदल रहे हैं जो थे, तो हमें पता नहीं कि कौन सा वेरिएंट आगे सामने आ सकता है, और अब तो ये भी चर्चाएं चल रही है कि जो वैक्सीन है उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है तीसरी लहर में। और देखिए वैक्सीन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया कि जल्द से जल्द, कमल जो कहा गया तीसरी लहर को लेकर, मैं आपके जवाब पर भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया कि हमारे प्रयास, सरकार की कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके। और बिल्कुल वैक्सीन के स्वरूप में भी बदलाव की जरूरत हो सकती है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो मौत की आप बात कर रहे थे कमल, दूसरी लहर में जाहिर तौर पर जो ज्यादा जान जा रखी है लोगों की, वो सबसे बड़ा संकट है। अकेले मामले सामने आने को तो हम ऐसे भी जस्टिफाई कर लेंगे कि भारत की दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, करीब करीब 135 से 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। ज्यादा मामले आते हैं तो पीएम भी कह चुके हैं कि ज्यादा टेस्टिंग हम कर रखे हैं, उसमें चिंतित होने की बात नहीं, लेकिन ज्यादा मौत जो हो रही है, जो ज्यादा डेथ रिपोर्ट की जा रही है, वो सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। इस बात को सरकार भी मान रखी है, तो इंतजाम पूरे नहीं थे, तैयारियां नहीं थी, हम इस बात को लेकर शायद कमल हमें भी भनक नहीं थी कि इतना भयंकर हो सकती है दूसरी लहर, और जो अब लोगों की जाने जा रखी है वो सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है ज्योति कि हमें सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी संभलेंगे तीसरी लहर को लेकर तभी हम निपट पाएंगे अगर तीसरी लहर आती है आने वाले वक्त में। बिल्कुल सबक लेने की जरूरत है कमल, और अगर अब भी सबक नहीं लिया तो मौका नहीं मिलेगा हमें सबक लेने का, तैयारी करने का या कुछ भी किए जाने का। अब हम बहुत ज्यादा खुशफहमी में नहीं रह सकते, हम खुद भी इस बात को लेकर कहते थे कि भारतीयों की जो प्रतिरोधक क्षमता है बहुत अच्छी है, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, कहां स्ट्रांग है दूसरी लहर के सामने, पूरी तरह से नतमस्तक दिख रहे हैं हम, सिस्टम के घुटने टिक गए हैं अगर हम ये कहें तो, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए दुनिया के सबसे ज्यादा मामले एक दिन के भारत से सामने आ रखे हैं, कुल मामलों की संख्या भले ही अमेरिका में सबसे
ज्यादा हो, लेकिन जो जाने जा रखी है उसमें भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, या कह लें कि ब्राजील अभी माफ कीजिएगा अमेरिका सबसे आगे, फिर ब्राजील, उसके बाद भारत है मौत के आंकड़ों में, लेकिन ये अंतर बहुत ज्यादा नजदीक है। बहुत जल्द भारत मौत के आंकड़ों में भी दूसरे नंबर पर आने वाला है, ब्राजील कुल मामलों में तीसरे नंबर पर आ गया है। तो भारत में ज्यादा मामले सामने आ रखे हैं, भारत में बहुत ज्यादा दुनिया की एक दिन की जो दैनिक मौत है कोरोना के कारण, वो हमारे देश हमारे भारत में हो रही है। तो ये सबक लेने का समय है, ये तैयारियां किए जाने का समय है, ये ऑक्सीजन की कमी पूरी किए जाने का समय है, टैंकर्स की व्यवस्था की जाए, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जाए, ज्यादा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए जाए और तमाम इंतजाम किए जाए, सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी हॉस्पिटल्स को भी सुविधाएं वो दी जाए, ताकि लोग आने वाले दिनों में अपनों को ना खोएं, लोगों की जान ना जाए। ये सरकार को भी सबक लेना है, प्रशासन को भी सबक लेना है, और हाँ, लोगों को भी जागरूक होना है। कमल, बहुत से लोग वो हैं जो कि लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी बेवजह घरों से निकल रखे हैं, ये लोग खुद के लिए तो संकट है, दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, उन लोगों के लिए भी जो सावधान है, सरकार के लिए भी लोग खतरा है, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे लोगों से पार पाना। बिल्कुल सही कहा आपने, सबके सहयोग से ही इस कोरोना की जंग को हम जीत सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा मुश्किलें हम सबकी बढ़ जाएंगी, शासन प्रशासन की और आम लोगों की भी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, आपने तमाम जानकारी भी दी और समझाया कि तीसरी लहर को लेकर क्यों चिंता जाहिर की जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।